आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन जारी है। तो जवानों पर हमला कर भागे आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है और पूरे ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। शुक्रवार के दिन जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था। आपको याद होगा 5 जवान हमारे शहीद हुए थे। और हमले के बाद ही देखिए सेना ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू कर दिया है। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है और जो बड़ा हमला यहां पर आतंकियों की तरफ से हुआ था उसका जवाब दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया था जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे और इसका जवाब आज जवान दे रहे हैं। राजौरी हुए हमले के बाद यह ऑपरेशन जारी है। कल राजौरी में सेना पर यह बड़ा हमला हुआ था और आतंक के खिलाफ अब सेना का यह ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है। ये दो तस्वीरें देखिए। तो हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल हो रहा है सेना का ऑपरेशन त्रिनेत्र और 5 जवानों की शहादत का। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे संवाददाता रजत बोरा और जानकारी के साथ जुड़ गए। रजत, इस ऑपरेशन को लेकर और क्या जानकारी, अभी की स्थिति क्या है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कल से शुरू हुआ ऑपरेशन त्रिनेत्र अभी भी जारी है और शाम को देर रात करीबन 1:15 पर फिर से जो एनकाउंटर है वो शुरू हुआ है। बताया जा रहा है कि रुक रुक कर फायरिंग जो है वो हो रही है और खासतौर पर आपको बता दें कि जो यहां से जो बुद्दल का इलाका है पूरी तरह से यहां पर सिक्योरिटी घेरा जो है वो बढ़ा दिया गया है। सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG टीम और CRPF की और टुकड़ियां जो है वो मौके पर बुला दी गई थी। आपको बता दें कि कल सुबह करीबन 7:30 पर ये ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ था जिसमें कि सिक्योरिटी फोर्सेस को खुफिया इनपुट मिली थी कि कई सारे जो आतंकी हैं वो यहां पर छुपे हुए हैं और तभी से लगातार ऑपरेशन त्रिनेत्र जो है वो शुरू किया गया था। हालांकि दुखद खबर जरूर आई थी कि 5 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो इसमें वीरगति को प्राप्त हो गए थे और उसके बाद से लेकर लगातार इस ऑपरेशन में कोशिशें की जा रही है कि जो आतंकी जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। आपको बता दें कि सिक्योरिटी फोर्सेज को इस तरह की जानकारी है कि जो डांगरी में 1 जनवरी को जो बड़ा हमला आतंकी हमला हुआ था जिसमें कि मासूम लोगों की जान चली गई थी और 20 अप्रैल को हाल ही में जो बट्टादुगे इलाके में सेना के ट्रक पर जो हमला किया था जिसमें 5 सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत हुई थी उसमें भी यही आतंकी थे और वही आतंकी यहां छुपे बैठे हैं जिनको अब ढूंढा जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लगातार गन फाइट जारी है। उम्मीद है कि बड़ी कामयाबी शहीदों की यहां पर हुई है उसका बदला जवान यहां पर ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। ताजा जानकारी यह है कि एक आतंकी को मार गिराया गया है। बारामूला के कुंजेर में ये एनकाउंटर इस वक्त चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की खबर थी जिसमें एक आतंकी को ढेर कर दिया गया है। और आपको बता दें कि कुंजेर वही इलाका है जो गुलमर्ग के रास्ते में पड़ता है और गुलमर्ग में ही G20 देशों के प्रतिनिधियों का दौरा भी होना है। एनकाउंटर में अब तक एक आतंकी के मारे जाने की खबर है। 2 से 3 आतंकियों के यहां पर घिरे होने की जानकारी मिल रही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से ये एनकाउंटर इस वक्त जारी है। एक आतंकी ढेर। Z News.